तो यहाँ पे देखिए नेगी जी और शुभी पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों अपने अपने लैपटॉप में लगे हुए हैं। हाँ हाँ बेटा लगे रहो लगे रहो। हाँ बाय बाय। दोनों यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। देखो हाय शुभी, हाय कैसे हो बेटा। हाय नेगी जी, ठीक हो? और कैसा लग रहा है आज घर पे हो बहुत दिनों के बाद? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है अभी मैं लैपटॉप में मैं अपने खुद ही काम कर रहा था, क्या? अभी ये निकाल के दिया है तो उठ जा रही है, इसमें हो गई इसका मन भर गया, बैठ के काम करते रहो। चलो ना, सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन बेटा, सिट डाउन सिट डाउन। हां सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। अभी शुभी अपने पापा से लैपटॉप छीन रही थी, तो फिर मैंने जो मेरा वाला लैपटॉप था वो शुभी को दे दिया, ये खराब हो गया है, तो अभी शुभी को अब इससे नहीं खेलना है। बेटा पापा का लैपटॉप मत फोड़ देना आप। ना ना उसमें खेलते रहो खेलते रहो, बिल्कुल उठना नहीं है अपनी जगह से। काम करते हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मिसेस पूनम पंकज नेगी। और कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो चलिए फिर आज के इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 12:15 बजे से, और इतनी कड़ी धूप में हम लोग निकल रहे हैं। आज हम जा रहे हैं पूजा के घर पे लंच के लिए। शुभी भी रेडी हो चुकी है, नेगी जी भी रेडी होकर बस सब हम लोग निकल रहे हैं। शुभी का सारा सामान रख दिया है और खेलने के लिए बॉल भी लेके जा रही हूँ। शुभी अपने दादी को बाय नहीं बोला? शुभ बाय बोल दो दादी को, बाय। आज मूड डे से बाय बोलने का, सच में बहुत खतरनाक धूप हो रही है। उधर देखे नहीं दादी को बाय बोलना, उधर देखे वहाँ वहाँ बाय बोलना है, बाय दादी को, बाय बाय। चलिए फिर अभी हम लोग निकलते हैं, और सीट इतनी गर्म हो रही तो मैं शुभी को बैठा नहीं रही हूँ सीट में। चलो तो गाइस अभी हम पहुँच गए हैं पूजा के घर पे, पहुँचने वाले हैं बस, वेटिंग में पहुँच गए हैं। चलो अभी अंदर आके इतना सही लग रहा है ना, तो बाहर इतनी धूप है पर अंदर रह के हम अंदाजा नहीं लगा सकते ना बाहर इतनी धूप हो रही है। अरे आप नेगी जी से मिले नहीं है तो आपको नेगी जी से मिला देते हैं। ये रहे नेगी जी, हेलमेट पहन के जा रही हूँ यार। फाइनली पहुँच चुके हैं, हम लेके आए हैं कूल ड्रिंक, कूल ड्रिंक। चलो पहुँच गए, यही है ना। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं पूजा के घर पे। ये रही पूजा, हाय हाय। और पूजा ने बहुत टेस्टी सा आज बना रखा है स्टार्टर, ये देखो वाओ। क्या नाम है इसका? वो अंदर चले गई, तो कुछ टेस्टी सा बन रहा है। इसके अंदर स्वीट कॉर्न भी ऐड है, मेरा स्वीट कॉर्न। चलो इसको ना ऐसे पलट लेते हैं क्योंकि गर्म गर्म खाने में मजा आएगा। इसको शायद क्या बोलेंगे इसको, सोया कबाब। सोया कबाब बन रहा है टिक्की टाइप्स। चलो मैं देती हूँ पानी आलू, अभी तो मजा आ गया। इतनी धूप ना बाहर हम सोच भी नहीं सकते, इतनी खतरनाक धूप ना, अंदर पता नहीं चल रहा है यार। अंदर जा ना, हमें अपने अंदर पता चल रहा है ना, यहाँ पता चल रहा है। बाहर बहुत धूप है यार, बाहर इतनी खतरनाक। एक होता है ना थप्पड़ मारना, थप्पड़ मारना नहीं था वो, तो बिल्कुल बेल्ट से मारने वाला बेल्ट से जो मार दे ना, इतनी खतरनाक धूप हो रही थी। मतलब मैं जब घर से निकली तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं कोई कपड़ा कॉटन का कपड़ा क्यों नहीं लेके आ गई शुभी को कवर करने। फिर मैंने अपने हाथों से पूरे हाथों से खुद से ऐसे कवर किया शुभी को। अपना तो चलो कोई बात नहीं, बच्चे के लिए डर लगा रहता है, इतनी सॉफ्ट सी स्किन है, वो तो अच्छा है कि मैं उसको सनस्क्रीन लगा के। तो चलो फिर अभी आते ही हमें खाने को मिल गया। चल बैठते हैं अभी हम लोग सब साथ में, और आज तो चार लोग हैं हम लोग, लूडो भी खेलेंगे। लूडो खेलेंगे, मेरे भी दिमाग में तो लूडो खेलेंगे। आजकल हम लोग इतना लूडो खेल रहे हैं सच में, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। कल रात भी 1-2 बज गया था हमें लूडो खेलते खेलते, है नहीं? और
जैसे अगर साथ में ना भी हो अकेले भी हो तो ऑनलाइन लूडो खेल ले रहे हैं। हाँ। लूडो 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 चल रहा है। एक बार टाइम पास भी हो रहा है, टाइम पास भी हो रहा है। एक बार हो रहा था कि लॉकडाउन में बहुत ज्यादा खेला, उसके बाद अब जाके खेल रहे हैं। उसके बाद अभी ससुराल चले जाएंगे, आप भी चले जाओगे तो वहाँ कहाँ ही टाइम मिलने वाला है लूडो खेलने का, कुछ ना कुछ क्योंकि हमेशा बिजी रहता है ना। यहाँ तो है कि हाँ चलो फ्री हो गए और अकेले भी हैं तो क्या करें, चलो लूडो ही खेल लेते हैं। अरे शुभी, तो चलिए टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा हो रहा है। बाकी सबने स्टार्ट कर दिया है, कैसा हो रहा है? बहुत बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। मुझे भी बता दे। तो तुम बहुत टेस्टी है और नया है कुछ, पहली बार खा रहे हैं, इसमें अच्छा हो रहा है। टेस्टी। अरे प्लेट लाओ क्या आपके लिए? नहीं ना। नहीं है ना? मैंने तो ज्यादा ये क्या बंद गोभी टाइप का है, क्या है? नहीं सोया चंक्स का। फिर आपने क्रश किया इसको कैसे? हाँ मतलब बॉईल करके ना क्रश किया और उसमें मसाले डाल दिए। बाकी शुभी इतनी शैतानी कर रही है, इतनी शैतानी कर रही है, उसको सब कुछ नीचे ही मिल जा रहा है। बाय बाय। चलो बहुत खतरनाक धूप हो रही है, टाइम हो गया है 4:45 होने वाला है, अभी भी बहुत खतरनाक धूप लगी है। अभी शुभ को कवर करने के लिए मैंने ले लिया है। बाय बाय। चलो बहुत धूप हो रही है और सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया और इतना लूडो खेला हम चारों ने मिलकर, इतना ज़्यादा मज़ा आ गया आज तो। लेकिन अभी जाना पड़ेगा क्योंकि शुभ को नींद आ रही है, इसलिए अभी हम लोग जा रहे हैं। बहुत खाया पिया, मस्त इन्जॉय किया। अब लास्ट जाने के दिन आ रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं आजकल। आजकल हम लोग का ऐसे चल रहा है, कभी किसी के घर पे बैठ के खा रहे, कभी किसी के घर पे बैठ के खा रहे, लेकिन फुल मस्त एंजॉय कर रहे हैं। कैसा लगा आपको नेगी जी? अच्छा लगा। तो चलो फिर चलते हैं। और आज महाराष्ट्र में ना इलेक्शन है, तो इस वजह से आज इन लोग की छुट्टी थी। शुभी पापा का पेन दे दो बेटा, पापा का पेन दे दो। तो गाइज अभी बज गया है शाम के 7:30 और अभी हम जा रहे हैं मार्केट। ये लो आप लॉक लगा दो, आंटी भी चले गई है मार्केट को। चलो और आपको बाहर दिखाती हूँ कितना उजाला हो रहा है। नहीं नहीं लाइट ऑफ मत करो, शाम का टाइम है। तो बाहर ये देखो अभी पूरा उजाला हो ही रहा है, धीरे धीरे करके लाइट भी ऑन होने लग गई है। चलो ये रहा हमारा शुभी बच्चा। तो अभी हम मार्केट जा रहे हैं क्योंकि हम लोग ना संडे मार्केट जाने का हमें टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि आजकल नहीं आते नहीं है, बहुत कम आते हैं। तो आज आए हैं तो इसलिए हम लोग सब्जी लेने जा रहे हैं। ये मैंने सब्जी का बैग पकड़ लिया और एक ये कुछ फिटिंग के कपड़े हैं तो ये ले जाने हैं बस। चलो शुभी के लिए बनाना ख़त्म हो गया था और टमाटो भी लेने हैं। ओए शुभी स्टैंड अप, गिर गई थी। चलो लग गई थी, आ जाओ मम्मा को दी, आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ मम्मा बच्चों, आ जाओ। अच्छा घूमी घूमी करना है, शुभी को भी दौड़ी दौड़ी करना है। यार आखिर इतना गर्म हो गया ना शाम के टाइम पे, बाहर भी हवा नहीं चल रही है और आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। बस मैं वही बोल रही थी कि ब्लॉग नहीं आने का रीज़न यही है कि अभी कुछ है नहीं दिखाने को और पैकिंग थोड़ा थोड़ा करके हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी प्रॉपर पैकिंग भी नहीं कर सकते क्योंकि हम सामान भी उतना ही लेके आए हैं जो हमें चाहिए और वो अभी इन जितने भी हमारे दिन बचे हुए हैं उसमें हमें चाहिए वो सामान। शुभी भागो मत बेटा, तो इसलिए अभी पूरी तरीके से पैकिंग नहीं कर सकते। जो जाड़ों के कपड़े हैं जो अभी नहीं चाहिए उनकी पैकिंग मैंने कर दी है और कुछ शुभी के कपड़े थे वो मैंने पैक कर दिए, बाकी पैकिंग तो लास्ट के एक दो दिन में ही होगी। तो ये देखो शुभी बैठ गई अपने पापा के साथ बाइक पे, ये देखिए। चलो शाम के टाइम पे ना मार्केट जाना सही हो रहा है, लेकिन दिन में तो इतना खतरनाक वाली धूप हो रही, इतनी खतरनाक वाली धूप तो कहीं निकल ही नहीं सकते। तो गाइस मार्केट से आ चुके हैं और आम केले लेके आए हैं। आम ये कौन सा वाला आम है, मैं मुझे नाम तो केसरी आम शायद, एक बादामी आम था एक केसरी आम था। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, पता 200 रुपये किलो था ये, 200 रुपये किलो, तो लास्ट में 180 रुपये किलो दिया भैया ने। और साथ में केले लेके आए शुभी के लिए और थोड़ा बहुत सब्जी लेके आए क्योंकि अब नेगी जी को टाइम नहीं मिलता संडे आने का।
और पता है यहाँ पर लीची भी आ चुकी है, और लीची पता है कितने रुपए किलो है, 280 रुपए किलो। ओ भाई, हमने कहा नहीं कोई बात नहीं, अब घर जाकर के खाएंगे, बस वही नॉर्मल सब्जी, थोड़ा बहुत लहसुन अदरक आलू भिंडी टमाटर, अरे गीला कैसे हुआ, अच्छा नीचे पानी था, टमाटर। और आपको बता दूं ये जो सब्जी आ रही है ये भी लास्ट सब्जी आ रही है, बस इसके बाद यहाँ रह करके अभी हम सब्जी नहीं खरीदेंगे क्योंकि इसके बाद हम सीधा चले जाएंगे। बाकी प्याज लेके आई मैं, और बाकी कुछ सब्जियाँ भी फ्रिज में पड़ी हुई है, ये है प्याज और शिमला मिर्च। बस ये है इस साल की महाराष्ट्र की लास्ट सब्जियाँ, बस अब सीधा घर जा कर के खाएंगे। अब इसके बाद हमें मार्केट से सब्जियाँ, मार्केट तो चले जाएंगे, ऐसा नहीं है कि मार्केट नहीं जाएंगे, लेकिन मार्केट जाएंगे अब सब्जियाँ खरीद के नहीं लाएंगे क्योंकि सब्जियाँ बहुत हो चुकी है और अभी इतनी सब्जी हमारी लगेगी भी नहीं। अभी मैंने आम को ना फ्रीजर में रख दिया ताकि जल्दी ठंडे हो जाए, निकी जी को भी खाना का मन कर रहा है, तो सुबह सो चुकी थी तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। बाकी मैंने कुछ आम और केले आंटी को भी दे दिए, आंटी भी बाजार गई हुई है आज, आंटी की बेटी आई हुई है, मतलब सुजल आई हुई है, तो आंटी और सुजल दोनों गए हैं मार्केट में। और वो नेगी जी बैठ के अपनी पढ़ाई करने के लिए, शुभी भी नेगी जी के साथ ही बैठी हुई है। बस यही है इतने दिनों का अपडेट, कि कोई अपडेट नहीं है कि मतलब जाने वाले हैं हम घर। आप लोग पूछ रहे हो ना कि रोज बोल रहे हो कि जा रहे हैं कि जा कब रहे हो आप लोग, तो जाने वाले हैं बहुत जल्द, लेकिन वीडियो बनाने के लिए कुछ नहीं है। अभी पैकिंग भी उतनी अच्छे से स्टार्ट नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि जितना सामान है ना वो चाहिए ही, अभी रखूँ भी तो क्या रखूँ और क्या नहीं रखूँ वाला चीज़ है, जो रखना था वो मैंने रख दिया है। बाकी रोज वीडियो बना के मैं आपको भी बोर नहीं करना चाहती हूँ, फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे, रोज एक जैसा ही दिखा रही है, और आप लोग को बहुत बेसब्री से वेट है कि हम लोग घर कब जाएंगे, और हमें भी वेट है कि अब हम घर कब जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी गर्मी बहुत हो गई है, वहाँ भी गर्मी है, और घर की अब याद आने लग गई है। तो बस आप लोग को इंतज़ार है, उससे ज़्यादा इंतज़ार हम लोग को है कि अब हम घर कब जाएंगे, और आपके लिए इतने प्यारे प्यारे वीडियोज़ आने वाले हैं अब, क्योंकि हम जा रहे हैं घर और आप लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो घर की वीडियोज़ को, तो बहुत जल्द जाएंगे। तो गाइस आंटी भी आ गई है मार्केट से, और क्या क्या लेके आई आपको ढेर सारी चीजें दिखाती हूँ। ये देखो, ये तो है पाव बड़ा, बड़ा पाव, वड़ा पाव, ये रहा वड़ा पाव, और ये उल्टा पाव। उल्टा पाव होता है, उल्टा पाव पाव वड़ा, सॉरी पाव वड़ा बोलते हैं इसको, उल्टा पाव। और ये मूंग पकोड़े बोल सकते हैं इसको, मूंग दाल के बड़े हैं ये। मेरी तरफ वैसे देख रहे, मेरे को पता होगा। यार एक दिन याद है हम जब पहली बार आए थे, मैं किसी चीज़ आंटी जब सबसे पहले बार गए थे ना मार्केट में, तुमने यही खाया था पता है आपको, वो लास्ट वहाँ वो उधर वाली मार्केट में गए थे, उधर वाली इधर वाली नहीं, ऑटो वाला मैं उधर ऊपर वाली मार्केट में लेके गया, जो ब्रिज के नीचे है, क्या कहते हैं यार उसको, नहीं एकदम उधर स्कूल भी है जो लास्ट में वो, हाँ। क्या है उसको, परसों को नाम भी बोल लेते यार उसका, बाय जो भी उस साइड उधर वाली मार्केट में गए तो वहाँ जो मिला था मेरा भी लगा दे क्योंकि भूख लगी थी, तो उसने यही सब कुछ खिलाया हमको। पहली बार फिर इसमें है चटनी, आप लोगों ने खाया है, आपने भी खाया, आप खा रहे थे आंटी लोग हमसे पहले चले गए थे, और अभी आ रहे क्योंकि हम तो गाड़ी से गए और आंटी लोग पैदल गए और पैदल आए। चलो दिखाते हैं, थैंक यू। अभी किसी का एक बार कमेंट आया था कि खुद से खाना सीखो, तो क्या ये गलत बात है कि हम दोनों एक दूसरे को खिलाते हैं पहली बाइट, तो वो गलत बात है बताओ, नहीं इससे और भी प्यार बढ़ता है। मुझे आता है उससे खाना, लेकिन अच्छा है ना जो खिला रहे हैं, तो मैं बनाती चलिए उसको भी खत्म करना है। सच में बहुत टेस्टी हो रही है, मूंग दाल की वड़े हैं, मतलब इसको पकौड़ी बोल सकते हैं, मूंग दाल की पकौड़ी, इसके अंदर प्याज भी मिक्स है। पाव वाला ट्राई करते हैं, आपने उल्टा पाव बोल, पाव वड़ा, हाँ। भी खा रही है, शुभी को नीचे बना रही है।
क्या? शुगर खत्म हो गया, ये लो इसको दो, सॉफ्ट वाला ना, ये लो शुगर, आराम से बैठ। ये यार यहाँ पर तो मिर्ची फ्राई करी जाती है, ये देखो इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है ना। आज तो अब रात को खाना बनाने की जरूरत नहीं है, इसी से फुल हो गए हम तो। जब मैं पुणे पहली बार गया था ना, साल में पहली बार यहाँ खाया हूँ मैं, मुझे पहली बार यहाँ आकर के खाया। मंचूरियन के साथ तो चलिए फिर अभी हम इसे खाते हैं और आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, ओके बाय बाय। तो हम ये खाते हैं, बाय 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 शुभू, बाय बाय मेरा बच्चा।